जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में बुधवार को पुरानी पेंशन बहाली सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने मंडल स्तरीय एक दिवसीय धरना दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाली, समान कार्य, समान वेतन, शिक्षकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति, महिला शिक्षकों को देय अवकाश पर प्रबंधकों द्वारा मनमानी करने पर तत्काल रोक सहित अन्य मांगों को लेकर परदेशी मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ यशवंत सिंह, मंडलीय मंत्री ज्ञानेश कुमार राव, प्रेमचंद मिश्र, अयोध्या दास, डॉक्टर दिग्विजयनाथ पांडे, रविंद्र प्रताप चंद सहित सभी मंडलों के शिक्षक प्रतिनिधि और शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विधान परिषद के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा, तो आप सभी जानते हैं कि संघ शक्ति कल युग है। कुशीनगर के अध्यक्ष राय साहब और उनके अध्यक्ष हैं जिंदाबाद जिंदाबाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद की कड़ी में ये पूरे उत्तर प्रदेश में आज मंडल मुख्यालय 6 फरवरी तक पुरानी पेंशन की बहाली और उसी क्रम में बोर्ड परीक्षा के तत्काल बाद कह रहे हैं क्या सूचना नहीं है क्या नहीं है, एक लाइन है आपको करना है, जिम्मेदार हम हैं, हम आप यहाँ कोई नेता नहीं है, चाहे यहाँ बैठा हुआ चाहे वहां बैठा हुआ, नेता एक ही है आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा और दूसरे नंबर के जिनको हम चुन के भेजे हैं आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी। ओम प्रकाश शर्मा जिंदाबाद, शिक्षक एक जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, मांगे हमारी जायज हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन मांगा जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए चिकित्सकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए, विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए, कंप्यूटर और व्यावसायिक शिक्षकों को जो है उनको समायोजित करने के लिए, हम लोग जो है सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष किए, आंदोलन किए, ये सरकार जो है उसको स्वीकार नहीं किए। आज उन्हीं सब मांगों को लेकर के प्रदेश के सारे मंडलों में यह आंदोलन किया जा रहा है और यह हमारा प्रतीकात्मक आंदोलन है और यह एक संदेश दिया जा रहा है कि शिक्षक समुदाय को कि आप तैयार हों और सीधा संघर्ष करने के लिए आप तैयार हों और प्रांतीय नेतृत्व कोई ऐसा निर्णय करेगा कि जो सरकार को बाध्य करे कि हमारी समस्याओं का समाधान करे।